मैं फिर से वीडियो लेके आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो फाइनली मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारे जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों, तो इसमें सेलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसमें सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा, पहुँचते रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2022 का ये आ चुका है। तो फाइनली तो इसमें आप लोग को देख सकते हो दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बात करेगा तो दोस्तों ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईटीबीपी दोस्तों। इसमें आप लोग को पोस्ट नेम मिलेगा हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन आप लोग को मिलेगा। इसमें टोटल पोस्ट आप लोग को मिलेगा दोस्तों 293 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग को ऑनलाइन मोड से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसमें जॉब कैटेगरी की बात करेगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जॉब लोकेशन का बात करेगा तो दोस्तों ये ऑल इंडिया कैंडिडेट है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन का बात करेगा तो सिंपल क्लास 10 और 12 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए एज लिमिट की बात करेगा तो दोस्तों इसमें मिनिमम 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक एज, उसका बाद आप लोग को गवर्नमेंट हिसाब से आप लोग को एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। अगर एस सी एस टी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप लोग को 5 ईयर एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। ओ बी सी अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो 3 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। सैलरी के बात करेगा तो 21,700 से लेकर 69,100 आप लोग को पर मंथ मिलने वाला है दोस्तों। इसमें आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस के बात करेगा दोस्तों, पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करेगा तो दोस्तों यू आर ओ बी सी के लिए आप लोग का 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई पे करना होगा दोस्तों। अगर एस सी एस टी कैटेगोरी में बिलोंग करते हैं आप लोग को एप्लीकेशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नील है दोस्तों। इसमें आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग को आईटीबीपी का वेबसाइट दिया है, आईटीबीपी वेबसाइट से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई की बात करेगा दोस्तों 1 नवंबर 2022 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा। 30 नवंबर 2022 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म 30 नवंबर पहले आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। उसका बाद आप लोग को लेकिन दोस्तों इसमें उन लोग डिवाइड कर दिया गया कैटेगरी वाइज हिसाब से, कैटेगरी हिसाब से उन लोग पोस्ट जितना पोस्ट है उन लोग के डिवाइड कर दिया गया। हेड कॉन्स्टेबल टेली कम्युनिकेशन में आप लोग का टोटल मेल के लिए आप लोग को 107 107 आप लोग को देखने को मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34 है और ओबीसी के लिए 44 है और एससी कैटेगरी के लिए 15 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, एसटी कैटेगरी के लिए 4 है, टोटल 107 पोस्ट है। और फीमेल के बात करेगा तो यूआर कैटेगरी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 7 8 है और एससी कैटेगरी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और एसटी कैटेगरी 1, टोटल 19 पोस्ट है। उसके बाद देख सो कॉन्स्टेबल टेली कम्युनिकेशन के बात करेगा तो दोस्तों देख सकते हैं टोटल आप लोग को मेल के लिए 142 पोस्ट देखने को मिलेगा और फीमेल के लिए 25 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आप लोग को अनरिजर्व कैटेगरी मेल अनरिजर्व कैटेगरी के बात करेगा तो 58 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ओबीसी के लिए 38 पोस्ट और एससी कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट, एसटी कैटेगरी 11 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। फीमेल के बात करेगा तो कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का बात करेगा तो फीमेल के लिए आप लोग को देख सकते हो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के 10 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा और ओबीसी के लिए 7 पोस्ट आप लोग को, एससी कैटेगरी 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट आप लोग को और एसटी कैटेगरी 2 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, टोटल 25 पोस्ट है आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। एजुकेशनल के बात करेगा दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप लोग को 10+ तो होना चाहिए, उसका साथ मैं आप लोग को बता दी इसमें साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, आपका साइंस स्ट्रीम में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, उसका साथ साथ आपका परसेंटेज 45% मार्क होना ज़रूरी है दोस्तों। उसका साथ साथ इसमें अगर नहीं है तो इसमें सिंपल क्लास 10 पास होने से भी चलेगा, लेकिन आपका 2 ईयर्स का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर इसमें भी नहीं है तो दोस्तों सिंपल क्लास 10 पास होने से भी साइंस में
साइंस सब्जेक्ट आप लोग होना चाहिए 3 इयर्स का, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है दोस्तों। कॉन्स्टेबल टेली कम्युनिकेशन का बात करेगा तो दोस्तों सिंपल क्लास 10 पास ऑफ इन चलेगा, उसका साथ साथ आप लोग का आईटीआई और डिप्लोमा सर्टिफिकेट का आप लोग का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट फॉर्म है तो इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक और गवर्नमेंट हिसाब से आपको एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। सैलरी की बात करेंगे तो दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 25,500 से लेकर 81,100 आप लोग को पर मंथ मिलने वाला है दोस्तों। कॉन्स्टेबल टेली कम्युनिकेशन का बात करेगा तो दोस्तों लेवल 3 के देख सकते हो 21,700 से लेकर 69,100 आप लोग को पर मंथ मिलने वाला है दोस्तों। एप्लीकेशन की फीस के बात करेगा दोस्तों आप लोग को ये देख सकते हो फॉर मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग यू आर के अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग को 100 रुपीज़ ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा दोस्तों। अगर फीमेल कैंडिडेट SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप लोग को एप्लीकेशन फीस कोई देने की ज़रूरत नहीं है, नील है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो दोस्तों आप लोग को पेज वन में आप लोग का PET PSDO का उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद पेज टू में बात करेगा तो रिटर्न टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों पेज थ्री में बात करेगा तो आप लोग का डिटेल DME का मतलब है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों। उसके बाद पेज फोर में आप लोग को रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों। आप लोग को PET के बात करेगा तो इसमें कितना रनिंग के बात करेगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग को 1.6 किलोमीटर आप लोग का विद इन 7:30 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। लॉन्ग जंप के बात करेगा तो 11 फीट आप लोग का लॉन्ग जंप करना होगा और आप लोग को 3 चांस मिलने वाला है दोस्तों। हाई जंप का बात करेगा तो 3.5 फीट आप लोग को करना होगा और हाई जंप में आप लोग को 3 चांस आप लोग का मिलने वाला है दोस्तों। फीमेल के लिए आप लोग फीमेल के बात करेगा दोस्तों आप लोग का 800 मीटर आप लोग को विद इन 4.45 मिनट में आप लोग का कंप्लीट करना होगा दोस्तों। लॉन्ग जंप के बात करेगा तो 9 फीट आप लोग को लॉन्ग जंप करना होगा और आप लोग को 3 टाइम्स आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। हाई जंप के बात करेगा तो 3 फीट आप लोग को हाई जंप करना होगा और आप लोग को 3 टाइम्स आप लोग को टाइम चांस मिलने वाला है दोस्तों। इसमें आप लोग को हाइट के बात करेगा तो दोस्तों ये देख सकते हो मेल कैंडिडेट ऑल अदर कैटेगरी यूनियन टेरिटोरीज में बिलोंग करते हो तो आप लोग को 170 सेंटीमीटर, अगर फीमेल में बिलोंग करते हो तो आप लोग को फीमेल के लिए आप लोग को 157 है। और चेस्ट के बात करेगा तो नॉर्मल में आप लोग को 80 होना चाहिए और एक्सपेंशन करके आप लोग को 5 फुलाना है, टोटल मिला के 85 है दोस्तों। उसका साथ साथ ये देख सकते हैं ये फोर कैंडिडेट भाई इस स्टेट में अगर बिलोंग करते हो तो देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो इस जगह में अगर बिलोंग करते हो तो आप लोग को हाइट में 165 है और फीमेल के बात करेगा तो 155 सेंटीमीटर और चेस्ट के बात करेगा तो नॉर्मल में 78 और एक्सपेंड करके 5 फुल है, टोटल मिला के 83 है दोस्तों। अगर SC and ST शेड्यूल ट्राइब में अगर बिलोंग करते हो तो हाइट में अगर मेल के बात करेगा तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के बात करेगा तो 150 सेंटीमीटर है और चेस्ट के बात करेगा तो 76 है और एक्सपेंशन करके 5 है, टोटल मिला के 81 है दोस्तों शेड्यूल ट्राइब में अगर बिलोंग करते हो तो। रिटर्न टेस्ट का पैटर्न आप अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों। रिटर्न टेस्ट आप लोग का मल्टीपल चॉइस होगा आप लोग को, उसके बाद आप लोग को हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन होगा, इसमें आप लोग का 100 मार्क का आप लोग का 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क ही आप लोग को मिलने वाला है, आप लोग को टाइम मिलने वाला है दोस्तों 2 आवर्स आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। इसमें एग्जाम पेपर के सिलेबस के बात करेगा दोस्तों जनरल इंग्लिश आप लोग को 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क ही मिलने वाला है दोस्तों। उसका बाद जनरल हिंदी के बात करेगा तो 15 आएगा, 15 मार्क ही मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस के बात करेगा तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क ही मिलने वाला है दोस्तों।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के बात करेगा तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क ही मिलने वाला है दोस्तों। रीजनिंग एबिलिटी के बात करेगा 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क ही मिलने वाला है दोस्तों। टोटल मार्क आप लोग को 100 मार्क का होने वाला है। रिटन टेस्ट में आप लोग को क्वालिफाई करने के लिए आप लोग को कितना मार्क लाना चाहिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ। इसमें जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोग को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हो 35% मार्क लाना होगा क्वालिफाई करना चाहिए तो। अगर SC ST OBC में बिलोंग करते हो तो 33% आप लोग का मार्क लाना जरूरी है दोस्तों। अगर इसमें आप लोग का सिलेबस क्या क्या होने वाला है आप लोग को देखना चाहते हो देख सकते हो, सारी जानकारी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हो, अगर मेडिकल के बात करेगा तो आप लोग का आईसाइट होना चाहिए देख सकते हो 6.6, उसका बाद ये देख सकते हो 6.9, इस तरफ से आप लोग को सेम ही है, आप लोग को सारी जानकारी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देख सकते हो ऑनलाइन 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो ये डाउनलोड कर लेना, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जैसे डिस्क्रिप्शन जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी ये नीचे डिस्क्रिप्शन, जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 1 नवंबर में आप लोग को प्रोसेस बताऊँगा कब कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें एंड्रॉयड मोबाइल फोन में, सारी जानकारी में प्रोसेस बताने वाले हो तो इसलिए जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।